यहाँ पर दोस्तों अभी थोड़ा सा लीप के आई हैं और बोल रही हैं कि अभी हम खाना खा लेंगे फिर लीपेंगे, तो यहाँ पे खाना निकाल के रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि मम्मी घास छोड़ रही है, देखिए बताओ क्या करती है। सफाई करती है, पानी लेके आ रहे हैं मैं पिए के लिए। मम्मी बोली बड़े बर्तन में लेके आओ, इसलिए बड़े बर्तन में लेकर आयो, गिलास पानी लेके साफ ही नहीं था। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे होंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह हो गई है, मैं झाड़ू पोछा कर लिया है और कर्म के बर्तन भाड़ा धो मान के रख दिया है, नहा लिया, पूजा भी कर लिया है। अब कर्म को गाय लगवाने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर गाय लगा रहे हैं, तो यहाँ पर गाय लगा रहे हैं, देखिए कैसे लगा रहे हैं। दोस्तों दूध ले गाय लग गई है, दूध लेके जा रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आज का वीडियो मेरी मम्मी ने सुबह स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर मम्मी कुछ खाना बना रहे हैं देखिए, और ये चावल डालने जा रही हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गई है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा था इसलिए यहाँ पे, और आज रात को हम सब यहीं पर सोए थे देखो, ताकि हमारे खेत में छुट्टे जानवर आते हैं इसलिए खेत को रखाने के लिए। सब्जी तो बन गई है, यहाँ पे देखे सब्जी तो बन गई है और चावल बनने जा रहा है और रोटी तो अभी बनाना है। मैं दोस्तों आज वीडियो बनाने में देर हो गई है, अभी चावल बनाए, सब्जी बनाए हैं, चावल बनाए और रोटी आटा सने जाए तो देखा जाए, और वीडियो में बना रहिए, आगे हम वीडियो दिखाती रहूँगी। घर की सफाई करे थे तो इसलिए खाना बना कर घर की सफाई में लगना है। आटा सन गया है और रोटी बनाने जा रही हूँ, जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, तब तक के लिए मेरे वीडियो में बना रही है। तो हमारी रोटी बन गई है, वीडियो में बने रहे और खाना भी खाने के हुए तो आ जाइए खा लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारी मम्मी घर की लिपाई भी कर रही हैं, देखिए मेरी बहन थी तब उसने लिपा था घर को, और तब से किसी ने नहीं लिपा है इसलिए अब मम्मी लिप रही हैं देखिए। वो खटिया भैया जी हम लेते हैं, अभी तुम अभी बना दियो वो हरे फूल का दिखा दियो, मैं लेता हूँ। और ये पूरा कमरा लीप चुकी हैं देखिए, कितना अच्छा लग रहा है आप देखने में। और यहाँ पे गोबर का घोल है देखिए, ये कितना अजीब दिख रहा है। यहाँ पे हेंगा रखा हुआ है, जिससे पहले खेत की हेंगाई करते थे, खेत को बराबर करते थे।
और यहाँ पर और भी गोबर है जो बाल्टी का ख़त्म हो जाएगा फिर इसे घोला जाएगा। देखिए तो वहाँ पे जा रहे हैं गोबर का घोल लेकर। और हमारा घर देखिए कैसे काला पड़ा हुआ है। इस जब बना था तब से घर में चूल्हा यहीं पे जल रहा जलता था तब से देखिए कितना काला पड़ गया है। और हमारे गांव में सबके घर तो अच्छे अच्छे हैं लेकिन हमारे तो बहुत ही अजीब हैं। सामने वाला घर देखिए कितना अच्छा लग रहा है लेकिन हमारा तो जैसा है पर ठीक है, छपरे से तो अच्छा ही है। यहाँ पर दोस्तों अभी थोड़ा सा लीप के आई हैं और बोल रही हैं कि अभी हम खाना खा लेंगे फिर लीपेंगे, तो यहाँ पे खाना निकाल के रखे हैं और खा भी रही हैं। कुछ बोलिए आप, ये बोलो खाना हो तो आ जाइए, सब खाना खा लीजिए सब। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आ जाइए और सारा खाना आप ख़त्म कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं खाना खाने जा रहा हूँ तो आप सब भी आके खा लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बैगन की बैगन आलू की सब्ज़ी है और रोटी चावल है देखिए। तो आप सब खाना खा चुके हैं, अब चलती हूँ गोबर की लिपाई करने के लिए। अभी पूरी नहीं हुई थी, भूख लगी थी इसलिए कारण के छोड़कर खाना खाने आ गई। तो यहाँ पर चार पाई पड़ी है और कारण के तख्ता पड़ा है, जगह नहीं है इसमें गोबर से लिपाई करने के लिए। तो अब इसको खाली कर रहे हैं, बाहर लेके जाइए तब इसमें लिपाई करूँगी। अभी एक चार पाई हम बाहर लेके जाएंगे, बहुत भारी है ये खटिया चार पाई, देखिए कितना बड़ी है। तो अब दोस्तों पूरा घर लिप चुका है सिर्फ रसोइयाँ छोड़ के। और देखिए यहाँ पे मैं आपको अब सब पूरा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा घर लिप चुका है और अभी गीला है थोड़ा सा, और यहाँ पे आंगन भी थोड़ा सा हो गया है और ये घर भी लिप चुका है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और लाइट तो है ही नहीं, अभी आई भी नहीं। और यहाँ सब भी लीप चुका है, सिर्फ रसोइयाँ नहीं हुआ है बस। और देखिए कितना गीला है अभी भी। यहाँ पर दोस्तों देखिए कि मम्मी घास छोल रही है, देखिए इधर दिखाओ मुँह, बताओ क्या करती है, सफाई करती है। तो देखिए दोस्तों कैसे कर रही है सफाई, घास खुरपे से छील रही है। और तो यहाँ पे एक चारपाई भी पड़ी है तो यहीं पे मैं लेटा हूँ। कूड़ा बटोर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उठा है बैठे के लिए। धूप इधर उधर है तो गर्मी लग रही है इसलिए। तो यहाँ पर हमने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है और इसे शाम को जलाने वाले हैं, नहीं तो हवा चलेगी तो ये उड़ उड़ कर गायब हो जाएगा, फिर छीछा ले जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मम्मी अभी भी झाड़ू लगा रही हैं और जब ज़्यादा गर्मी लगेगी तो यहीं पे आके सब बैठेंगे। देखिए कितना अच्छा लगेगा जब आके सब लोग यहीं पर बैठेंगे, हम तीन ही लोग हैं तो कौन ज़्यादा लोग आएंगे बैठने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू लगा कर आई हैं और बोल रही है कि पानी ले आओ, तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लाने के लिए। मम्मी पानी लेके आ रहे हैं मैं पिए के लिए। मम्मी बोली बड़े बर्तन में लेके आओ, इसलिए बड़े बर्तन में लेकर आओ, गिलास पानी ले साफ ही नहीं था तो इसमें लेके आओ। देखिए देखिए
तो हेलो दोस्तों, अभी शाम हो गया है और लाइट भी नहीं थी, तो अभी मोबाइल चार्ज किया और मोबाइल स्विच ऑफ भी हो गया था, और मोबाइल अभी चार्ज किया तो 10% है। और अभी यहाँ पे बाहर के कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बाहर है देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा, देखिए यहाँ पे कितना सारा कचरा निकल के आया है। अगर हम इसे नहीं जलाएंगे तो फिर हवा चलेगी तो ये फिर से बिखर जाएगा, तो फिर से परेशानी हो जाएगी इसको इकट्ठा करने में। तो ये मम्मी इसको देखिए क्या कर रही हैं, फैला रही हैं ताकि तेज़ी से ना जले। देखिए मेरे पीछे देखिए कितना, एक खटिया यहाँ पे पड़ी है और एक खटिया यहाँ पे, और ये रखा है भूसा, और इसके पीछे ये कुर्सी यहाँ पे रखी है, साइड में कर दिया है। तो अब इसको हम चलाएंगे माचिस से। तो देखिए यहाँ पे इकट्ठा फैला दिए हैं कचरा, तो अब मैं इसको आग लगाने जा रहा हूँ ताकि बिखर ना जाए हवा चले। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो यहाँ पे आग लगा दिया है, तो अभी ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, देखना वीडियो में। मम्मी अभी भी लगा रही हैं, लेकिन अभी जलेगा तो बहुत तेज़ी से जलेगा, देखना वीडियो में। तो देखिए अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तेजी से बढ़ रहा है देखिए यार। और यहाँ पर तो हमारे शेरू भी बैठे हैं, ये शाम को आग जाएंगे अपने, कभी अलग रहते हैं, शाम को अलग रहते हैं और सुबह हमारे यहाँ जाते हैं, तभी इनका जब समय होगा तो ये अभी जा जाएंगे ना। शेरू ओए देखिए जा रहा है देखिए, और यहाँ पे तो एकदम से भरने लग गया है। हेलो दोस्तों, दोपहर में कानम के सफाई किया था, वो कानम के इस टाइम जला दिया है, क्योंकि रात में कानम के हवा चलेगी नहीं, दिन में चलेगी तो सब फिर बिखर जाएगा, तो इसलिए कि सफाई रहेगा तो यहाँ पर दिन में मंझा छोड़कर बैठा जाएगा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा जल रहा है, या यहाँ पर कितना सफा हो गया है सब। अब देखने में कितना अच्छा लगता है, देखने में कितना अच्छा लगता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं से समाप्त करती हूँ, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और हमारे गलती को क्षमा करना, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है तो इसलिए कानम के बोलती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों नई नई वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके, और मैं धन्यवाद।